हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में। लेसन 18, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियोस, यानी कि यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखें, आज के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करने वाले हैं कुछ की पॉइंट से, और आज का हमारा पूरा फोकस ये है कि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाएं तो हम किस तरह से स्क्रिप्ट लिखें, जिसके हिसाब से हम एक सही तरीके से अपने यूट्यूब वीडियोज के चैनल्स में जाके ज्यादा अपनी वीडियोज को ला सकते हैं और ज्यादातर व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हमारी वीडियोस को देखना पसंद करें। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक यही और फोकस भी यही रहेगा कि कैसे हम यूट्यूब वीडियोस के लिए सही स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। देन इसी तरीके से, जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेसन में बात करी थी कि कैसे हम एक बढ़िया चैनल आर्ट बना सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए, जो शोकेस करता है हमारे कॉन्टेंट के बारे में, लोगों को बताता है कि आखिर में हम किस नीच या किस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये भी जानना जरूरी आता है, जब हम यूट्यूब के अपने चैनल्स को आगे तक ले जाना चाहते हैं, चाहते हैं हमारे चैनल जो आज छोटा है हम उस चैनल को बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मिलियंस तक पहुंचाना चाहते हैं सब्सक्राइबर में, तो हमें यहाँ पे देखना हो कि कैसे एक सही स्क्रिप्ट की हम हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम पूरी तरह से समझेंगे, जब भी हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी यूट्यूब वीडियोज पर, तो ये इन्वॉल्व होता है कि किस प्रकार से आप कॉन्टेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, और साथ ही साथ किस तरीके की आप वीडियोज पर डायलॉग दे रहे हो। ये कुछ स्टेप यहाँ पे बताई जाएगी जिनके हेल्प से आप एक कम्प्लीटली यूट्यूब वीडियोज के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स, अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, आपने टेक्निकल गुरुजी का नाम सुना होगा, और वो हमेशा उनकी एक टैगलाइन हमेशा होती है, डायलॉग अलग होता है उनका। तो इसी तरीके से हर एक यूट्यूबर्स के डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स होते हैं, उनका कहने का तरीका, साथ ही साथ उनकी किस प्रकार की कॉन्टेंट को लाने की प्लानिंग होती है, हर एक यूट्यूबर्स का अपना अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से आपको भी एक अपने यूट्यूब वीडियोस, अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए कंप्लीटली सही डायलॉग्स या फिर सही स्ट्रक्चर्स यहां पे आपको क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं कि कैसे हम एक YouTube वीडियोस के लिए सही स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप है डिफाइन योर वीडियोस पर्पस। अक्सर सही कहा गया है कि जब भी आप वीडियोस बनाने बैठते हैं तो आपको अपना पर्पस क्या है, एक्चुअल में आप मेन पर्पस किस पर्पस रिलेटेड आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, एज एजुकेशनल क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम रिलेटेड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर वीडियो पर्पस ढूंढ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि आपकी वीडियो पर्पस है क्या। तो आपको डिटरमाइन करना होगा कि आपकी वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देन इसी तरीके से जब भी आप कुछ ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हैं, कोर्सेज बनाते हैं, या फिर ब्लॉग बनाते हैं अपने खुद पे चैनल पे, या फिर एक एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, जो भी अगर डिफरेंट डिफरेंट वे में आप वीडियोस पर्पस आपका है, तो आपको क्लेरिफाई करना होगा कि आपका मेन टॉपिक क्या है, आप किस की मैसेज की हेल्प ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑडियंस को क्या चीज डिलीवर करना चाहते हैं जो ऑडियंस आपसे चाहती है। तो आपको सबसे पहले अपने पर्पस को समझना होगा कि आप किस पर्पस रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं। अक्सर बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जो छोटे छोटे चैनल्स यूज करते हैं, बट वो कभी कुछ मोटिवेशन ले आते हैं, तो कभी एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट ले आते हैं, कभी व्लॉग ले आते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वे में यहाँ पे टॉपिक्स लेके आते हैं, और उनके पास कम सब्सक्राइबर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वो किसी टॉपिक को लेकर नहीं चलते, बिकॉज वो अपने पर्पस को नहीं समझ पाते। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर किसी कोर्सेज को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ब्लॉग को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आपका वीडियो पर्पस बनाने का मेन पर्पस आपका क्या है, लोगों को किस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किस तरीके की वैल्यूज देनी है। तो इसी तरीके से आपको समझना होगा कि आखिर में आप कैसे अपने वीडियोस पर्पस के हिसाब से चीजों को डिफाइन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप है आउटलाइन द स्ट्रक्चर। अब कैसे हम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करें, जब भी हम स्क्रिप्ट लिखने बैठे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्क्रिप्ट के लिए आपको कॉपी प्लस पेन की जरूरत होती है। आप सोचते हैं डिजिटली आप लिख सकते हैं, तो डिजिटली भी लिखिए, बट जितना आप फिजिकली यानी कॉपी प्लस पेन से लिखेंगे, उतना बढ़िया तरीके से आपके माइंड में चीजें बनी रहेगी, आपकी माइंड मैपिंग होगी, और आप एक कंप्लीटली सही स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो आउटलाइन स्ट्रक्चर कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी वीडियोस की रफ करने होगा, आपको आउटलाइन देखनी होगी, स्ट्रक्चर्स लिखने होंगे कि स्टार्टिंग में आपको क्या बोलना है, किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देखना है। देन इसी तरीके से आपको सेक्शंस को डिवाइड करना है, जैसे इंट्रोडक्शन देना हो, या फिर आप मेन कंटेंट किस तरह से दे रहे हैं, लास्ट में आपको कॉन्क्लूजन भी देना चाहिए। तो आप इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी व्यूअर्स आपकी वीडियोस को देखेगा, सब्सक्राइबर आपकी वीडियोस को देखेगा, तो सबसे पहले वो आपके बारे में जानेगा, देन इसके बाद मेन कंटेंट आप क्या दे रहे हो,
देन इसी तरीके से आप पूरा कॉन्क्लूजन लास्ट में देते हो। तो ये पूरी चीजें आउटलाइन करनी होती है, आपको स्ट्रक्चर को समझना होता है। साथ ही साथ आप कुछ की पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जिसे हम यहाँ पे पीपीटी के थ्रू यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन की हम हेल्प लेते हैं, एनिमेशन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी विजुअल या ऑडियो एलिमेंट आप कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में प्लान करना होगा कि कैसे आप एक सही एलिमेंट्स या फिर सही ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक सही आउटलाइन स्ट्रक्चर में आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एक सही स्क्रिप्ट बनाने के लिए। चलिए थर्ड स्टेप है, हुक द व्यूअर्स इन द इंट्रोडक्शन। अब कैसे आप व्यूअर्स का हुक कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया है जब भी आप व्यूअर्स को अटेंशन देना चाहते हैं, सही तरीके से आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होगा उस टॉपिक से जिसमें आप लोगों को एंगेज करना चाहते हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, उस हिसाब से अगर आप उन्हें एंगेज करते हैं तो ऑडियंस और भी ज्यादा तरीके से जानने की कोशिश करेगी आपके बारे में और आपकी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा देखना पसंद करेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि कैसे आप व्यूअर्स के लिए हुक ला सकते हो जिसके थ्रू वो आपकी वीडियोज को ज्यादा से कम्प्लीटली देखना पसंद करे और आपकी वीडियो से बहुत अच्छी वैल्यूज या इन्फॉर्मेशन ले सके। अब कैसे हम हुकिंग कर पाएंगे रीडर्स के लिए, तो जाना हो जो जाता है या फिर वीडियो जो कोई भी देख रहा है या कोई भी हमारा सब्सक्राइबर देख रहा है और हम चाहते हैं कि सही इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम हुक लेके आए, तो आपको सबसे पहले अपना ओपिनियन देना होगा कि आप किस प्रकार का ओपिनियन दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करना होगा और नेगेटिव और पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी आपको नैरेट करना होगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किस रहा है चीजों में। देन इसी तरीके से आप कुछ क्वोट का यूज कर सकते हैं जो किसी फेमस पर्सन का है, या फिर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक बोल्ड चैलेंजिंग स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आज हमें ये करना है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से यूट्यूब चैनल में जिसमें कि कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड तैयारी की जाती है, वहां पर एक अलग ही जोश होता है, हाई यानी कि कम्प्लीटली कहा जाता है, क्योंकि खुद की टैगलाइंस होती है और उसी हिसाब से लोग चैलेंजिंग देते हैं या फिर एक स्टेटमेंट उनके लिए बनाई जाती है, या फिर लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बाद उसके आंसर देने की पूरी तरीके से वीडियो में बता देते हैं। इसी तरीके से आपको भी देखना है कि कैसे आप अपने व्यूअर्स के लिए इंट्रोडक्शन के हिसाब से हुक ला सकते हो। चलिए फोर्थ स्टेप है, डेवलप द मेन कंटेंट। अब बात आती है कि जब हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, चीजों को रेडी कर लेते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में कहा गया है डेवलप द मेन कंटेंट। कैसे आप डेवलप कर सकते हैं मेन कंटेंट को, आपको समझना होगा कि आपकी वीडियोस किस तरीके से सेक्शन में आ रही है लॉजिकल, और साथ ही साथ किस तरीके का आप सब टॉपिक्स यहाँ पर दे रहे हैं। हर एक सेक्शन पे फोकस करना आपके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट और एक आइडिया हो सकता है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ आप देखिए, जैसे कि हम बात करें आप एजुकेशनल कॉन्टेंट रिलेटेड वीडियोज बना रहे हैं और आपको उस टॉपिक नहीं मालूम, उसका सेक्शन या सब टॉपिक्स नहीं मालूम, तो आप उसके बारे में कैसे लोगों को रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन इसी तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ आउटलाइन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि लोगों को आप मैसेज देना चाहते हो। तो ऑर्गेनाइज कीजिए उन पॉइंट्स को और सही लॉजिकल वे में लोगों को गाइड कीजिए इन फ्लॉप वीडियो के माध्यम से। तो जितना बढ़िया तरीके से आप बुलेट पॉइंट सही सेंटेंस को शॉर्ट में लिखोगे, उतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन वेल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाएगी और वो आपकी बातों को समझ पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं सही कंटेंट की प्रोसेस को। तो सबसे पहली प्रोसेस आती है गैदर इन्फॉर्मेशन, आपको अलग अलग चीजों से रिसर्च करना होता है, इन्फॉर्मेशन लेना होता है, देन इसके बाद आपको फाइनलाइज करना होता है कि आखिर में आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। देन इसी के बाद आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिसे आप स्ट्रेटजी बना देते हैं तो आपको उसके बारे में लिखना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब वीडियोज पर जाके देखिए कि उससे रिलेटेड अगर ऑलरेडी कॉन्टेंट बना हुआ है तो उसको बारे में कंप्लीटली समझिए और देखिए आखिर में गैप कहाँ आ रहा है, जहां गैप आ रहा है उसको फुलफिल कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए, देन पब्लिश कीजिए। इसी तरीके से अपने कंटेंट को प्रमोट करते रहिए और इसी के साथ आप रिव्यू और अपडेट करिए और एनालिटिकल रिपोर्ट से समझिए कि आपकी कंटेंट डेवलपमेंट की प्रोसेस किस तरह से काम कर रही है। तो इसी तरीके से हमें इतने समझा कि किस प्रकार से हम अपने मेन कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। चलिए फाइव स्टेप है, एड सपोर्टिंग डिटेल्स। अब कैसे हम सपोर्टिंग डिटेल्स को एड करें, तो इसमें हम समझते हैं अगर आप बुलेट पॉइंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, रिलेवेंट डिटेल्स देना चाहते हैं, एग्जांपल के तरीके से अगर हम देखें तो आप स्टैटिक्स या पर्सनल चीजें देखना चाहते हैं, या फिर हम बात करें एनालिटिक्स के थ्रू आप समझते हैं कि आपका कंटेंट कितना डेप्थ में है और आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ रही है, तो ये सभी चीजें आपको कंसाइडर करना होगा। एक कन्वर्सेशन टोन की हेल्प नहीं होगी, आप साथ ही साथ ऑडियंस से पूछ सकते हैं कि आपका कंटेंट लोगों को किस पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है और आपकी इन्फॉर्मेशन उन्हें रिलेटेबल लगी या नहीं लगी। तो इसी तरीके से आप सपोर्टिंग डिटेल्स की हेल्प ले सकते हो। चलिए सिक्स पॉइंट है,
इनकॉर्पोरेट इंगेजमेंट टेक्निक्स। आप कैसे इनकॉर्पोरेट इंगेजमेंट टेक्निक्स की हेल्प ले पाएंगे, तो यूट्यूब जो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो आपको सोचने में मतलब बता देता है कि आप किस प्रकार से इंगेज हो पाओगे व्यूअर्स को। आप इसके बारे में सोचिए कि आप कौन सी ऐसी वीडियोस बनाएं कि व्यूअर्स आपकी वीडियोस को बार बार आके देखें और ज्यादा से यूजर्स तक लोगों को आपकी वीडियोस पहुंचा दे। तो आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना होगा एन अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है, जिसकी हेल्प लेनी होगी। चाहे तो आप इसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स कमेंट करवा सकते हैं, या फिर कॉल टू एक्शन के लिए बोल सकते हैं, या फिर पोल्स एलिमेंट्स आज के टाइम पे आ गए पोल्स सेशन, जिनको व्यूअर्स के हिसाब से इनक्राउज कर सकते हैं। जितना बढ़िया तरीके से आपका एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा, उतनी बढ़िया तरीके से लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए सेवन स्टेप है राइट द कॉन्क्लूजन। अब अक्सर कहा गया है जो हम स्क्रिप्ट तैयार करें तो हमें कॉन्क्लूजन भी राइट में रखना चाहिए, जो हम लास्ट में हम बोल सकें। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि जब भी हम किसी भी वीडियोस बनाते हैं और हम किसी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन में हमें डाउट होता है या फिर हमें लगता है कि यार ये सही भी और गलत भी है। तो हमें इसके बारे में सही कॉन्क्लूजन देना होता है कि किस लोगों के लिए सही और किन लोगों के लिए गलत है। तो ये सभी चीजें हमें देना, हमें समराइज करना, उस पॉइंट को कवर करना, उन वीडियोज में की मैसेज देना, ये पूरी चीजें आपको कंक्लूजन के तौर पर स्क्रिप्ट को तैयार करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ये व्यूअर्स को बताती है, एक लास्टिंग इंप्रेशन व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देती है और बता देती है कि आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कंक्लूजन पूरी तरीके से समराइज करता है, पूरे पॉइंट्स को कवर करता है और जो सही होता है उसके बारे में बता दिया जाता है। तो इसी के साथ आप एडिट कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन का यूज कर सकते हैं, साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइबिंग करवाने से लेकर विजिटिंग करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर और उससे रिलेटेड और भी वीडियोज देखने के लिए बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्क्लूजन काम करता है। चलिए एट स्टेप है रीड एंड रिवाइज। अब जब हम पूरी तरीके से स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं तो स्क्रिप्ट को रीड करना और रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब एक बार आप स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, आपने सपोज कीजिए आपने एक स्क्रिप्ट को लिखने में एक से दो दिन लगा दिए, आप उसको स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप तीसरे दिन उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और फ्लो को समझिए स्मूथली साउंड एंड नेचुरल के साथ में, कि कैसे आप एक सही तरीके से वीडियोस में चीजों को कवर करने वाले हैं, किस प्रकार की चीजों को एडिट करेंगे, देसी के तरीके से आप किस प्रकार के एम्बिशियस पॉइंट को क्लियरिफाई बोलने वाले हैं और आपकी स्क्रिप्ट का अलायंस किस तरह से इंटेंडेड हॉरिजॉन्टल या स्टाइल में, इसी के साथ आपको रिवाइज करने की बहुत जरूरत होती है, जिससे कि आप एक सही क्लैरिटी और एक इम्पैक्ट के साथ सही तरीके से अपने वीडियोस कंटेंट को बना सकते हो। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट स्टेप है कंसाइडर विजुअल एंड टाइमिंग। अब कंसाइडर विजुअल टाइमिंग में क्या होता है, जब भी आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हो विजुलाइज करते हो कि कैसे मेरी वीडियोस बनेगी और देन इसी तरीके से कैसे हम ऑडियोस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे उस कंटेंट के हिसाब से, तो देन इसी के साथ आपको पूरी चीज विजुलाइज करनी होती है, प्लान करना होता है सही ट्रांजिशंस कैसे लगाएंगे, आप कौन सी ग्राफिक्स को यूज करने वाले हैं और कौन सी फुटेज जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको हमेशा इस चीज का माइंड हमेशा रखना है कि वीडियो की लेंथ और स्क्रिप्ट के हिसाब से ही पेज प्रोस्पेक्टिवली होनी चाहिए। यानी कि कंप्लीटली कहने का मतलब यही है कि आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से वीडियोस की लेंथ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने स्क्रिप्ट छोटी बनाई और आपकी वीडियोस बहुत लॉन्ग जा रही हो, तो आपको इस हिसाब से चीजों को समझना होगा, विजुलाइज करना होगा और उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको पूरी तरह से अपने वीडियोस कॉन्टेंट को बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है प्रैक्टिस एंड रिफाइन। अब कैसे हम जब स्क्रिप्ट को फाइनलाइज बना लेते हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं रीडिंग तरीके से, देन इसी तरीके से हमें फील करते हैं कि किस प्रकार से हमें साउंड ऑफ कैमरास में हमें बोलना होगा, कि किस प्रकार से हम लोगों को बता सकते हैं, देन इसी तरीके से हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट लानी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिलीवर करना होगा अपनी स्मूथनेस प्रेजेंटेशन को। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। देन इसी के साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं, रिमेंबर इट। आपको इन सभी चीजों में एक और चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्रिप्ट इज नॉट ए गाइड, स्क्रिप्ट इज ए गाइड सॉरी, देन ये इज नॉट ए रिजिड ऑफ सेट ऑफ रूल्स। यानी कि रूल्स नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट बनानी चाहिए, बट ये गाइड होती है जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, बढ़िया तरीके से कंटेंट बना सकते हैं, या आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी को और स्पॉन्टेनिटी को। देन इसी तरीके से स्क्रिप्ट सर्व करती है फाउंडेशन टू कीप आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने से लेके आपके चीजों को फोकस करने से लेके कि आप किस तरह से पर्सनली और क्रिएटिव साइन कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको कंप्लीटली एक नहीं दो नहीं आपको पूरी की पूरी 10 स्टेप्स समझ में आई होगी कि कैसे हम YouTube वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं और स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी आता है। आई होप कि आप जिन सभी को प्रैक्टिकली करके देखोगे, बी श्योर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।